वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू माय आर्ट सप्लाइज, बेसिकली माय कलर्स दैट टू विथ प्राइस। आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने अपने नए और पुराने सारे कलर्स दिखाए हैं। गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये सारी आर्ट सप्लाईज एक संग खरीदी है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने काफ़ी सालों में ये थोड़ा 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 करके अरेंज किए हैं सारे के सारे कलर्स। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दीज आर माई कैमलिन ब्रश पेंस एंड ये मैं आपको बताती हूँ 24 के सेट्स है एंड दे आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको कि कैसे हैं। लुक, दे लुक अमेजिंग एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप, मैंने इनके ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं सब के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप बिगनर हैं, यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट आई हैव दिस कैमल वाटर कलर ट्यूब्स। ये सेट ऑफ 18 में आते हैं एंड दे आर अमेजिंग 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 वाटर कलर्स एंड एवरीवन शुड हैव दिस वन। फिर मेरे पास ये ट्राइंगुलर कलर पेंसिल्स हैं, ये भी कैमलिन के हैं। इसमें 6 नए शेड्स भी हैं और एक शॉर्पनर फ्री है। सो टोटल ये 24 के सेट्स में हैं एंड दे आर टू ऑल्सो अमेजिंग पेंसिल कलर्स। एंड मैंने ये लगभग 1 साल पहले लिया है अभी, क्योंकि मेरे पुराने वाले पेंसिल कलर्स कुछ ख़राब हो गए थे एंड मैं कैमलिन की बहुत बड़ी होल्डर हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट कैमलिन के सारे प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट आई हैव दिस कैमलिन ऑयल पेस्टल्स, जो कि बहुत बहुत बेसिक है, हर आर्टिस्ट के पास ये तो होता ही है। नेक्स्ट मेरे पास ये पेंटोनिक के कलर पेन्स हैं एंड ये सेट ऑफ 12 में आते हैं। इनकी बॉडी मुझे बहुत पसंद है एंड आप देख सकते हो कि ये कितने स्मूथ चलते हैं। एंड जैसे कि मैं लिख रही हूँ, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, जितना शेयर कर सको आप करो, कमेंट करो कि क्या पसंद आया आपको सबसे ज़्यादा। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपने कुछ पुराने कलर्स आपको दिखाऊंगी, सो आप देख सकते हो ये अक्टूबर 2007 के कलर्स हैं मेरे एंड ये अभी तक मेरे पास है। एवरेज 15 ईयर्स हो गए हैं एंड फाइन आर्ट कितनी अच्छी कंपनी है गाइज, ये अभी तक इसके कलर्स सही सलामत हैं। आप देख सकते हो दे आर वर्किंग। मैं इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगी आने वाले टाइम में। यू कैन हैव अ लुक, सारे के सारे कलर्स एकदम फाइन कंडीशन में हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये कैमल का वाटर कलर केक है। कि आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैं इसे यूजुअली यूज़ करती रहती हूँ बट दे आर अ गुड बाय। नेक्स्ट मेरे पास ये आर्ट लाइन के स्केच पेन्स हैं जो कि मुझे 30 रुपीज़ में मिले एक लोकल स्टोर से। अगर मुझे इसके लिंक मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। आप इन्हें ज़रूर ख़रीद सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, एक बहुत स्मूथ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि इनका इम्प्रेशन बिल्कुल भी पेज के पीछे नहीं आया है। दे आर अ गुड वन गाइज। नेक्स्ट मेरे पास ये चॉक पेंस है। मैंने अभी तक इन्हें यूज़ नहीं किया है, ये मेरे नए सेट्स हैं, ये अभी हाल ही में आए थे। तो मैं जब इन्हें यूज़ करूँगी उसके बाद मैं बताऊँगी ये कैसे हैं। मैंने वैसे इनके रिव्यूज़ काफ़ी सुने हैं तो मैंने इसलिए इसे मंगा लिया बट मैंने यूज़ नहीं किया। मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कि कैसे हैं। लुक एट द शेड्स गाइज, दे आर सो ब्यूटिफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पेंट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल आउट ऑफ दीज चॉक पेंट्स।
नेक्स्ट मेरे पास ये पोस्टर कलर्स है, ये वैसे तो सेट ऑफ 18 है बट इसमें 18 नहीं, 18 से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये कुछ बहुत कलर्स जैसे कि वाइट, ब्राउन, ये स्काई ब्लू कलर, ये पिंक कलर मैंने अलग से ले लिया था। वाइट का मैं 2 बॉटल लेके आ गई थी क्योंकि मुझे वाइट कलर से बहुत प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाइट कलर्स ख़त्म नहीं होने चाहिए। वैसे ब्लैक कि ये छोटी वाली बॉटल मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं ये दूसरी बॉटल लेके आई थी ब्लैक की। सो कमिंग टू दिस, इस बॉटल को आपने मेरे वीडियो में काफ़ी बार देख लिया होगा, ये जैसो की बॉटल है, जैसे कि आप लोग सबको पता है मेरा ये जैसो ख़त्म नहीं हुआ है बट मैंने उससे पहले ही ये एक जैसो की बॉटल और मंगा ली है इट्सी बिट्सी से और मुझे ये काफ़ी अच्छे ऑफ़र में मिल गई तो मैंने ये नहीं मंगा ली। आप देख सकते हो ये अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइट कलर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो ये है मेरी वाइट एक्रेलिक पेंट की बॉटल जो कि अराउंड मुझे 300 की पड़ी और ये 500 ग्राम्स है और ये मुझे बहुत पसंद है। सो नाउ दीज आर माई ग्लिटर पेंस, ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था एंड इसमें 8 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्लिटर रिफिल्स आती है और ये एक पेन आता है, इसे इसमें ढाल के आपको यूज़ करना रहता है। नेक्स्ट दीज आर माई ग्लिटर पेन्स जो कि बहुत पुराने हैं, मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा ने मुझे ये दिलाया था। नेक्स्ट दीज आर जेली रोल्स 0.8 वाइट जेल पेन्स और ये कैसा वर्क करते हैं ये आप मेरे वीडियो में जाके देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दीज आर माई अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड टेम्परा कलर्स और ये जो पीछे वाले 2 हैं ना ये मेरे नए हैं बट आगे फ्रंट वाले 4 ये सारे पुराने हैं। ये मेरे वैक्स क्रेयॉन्स हैं जो कि मैंने वीडियो बनाया है इस पर और मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी आपके लिए। एंड ये ममा वैक्स है और वो बेबी वैक्स क्रेयॉन्स है, मेरा छोटू सा वैक्स क्रेयॉन्स। सो दीज आर माई फर्स्ट वाटर कलर ट्यूब्स जो कि मेरे डैडी ने मुझे दिलाया था, आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन, ये ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, मैं बहुत प्रेशर लगा रही हूँ लेकिन फिर भी ये कलर्स नहीं निकल रहे, बट मैं फिर भी इन्हें नहीं फेंकती, मैं बहुत बड़ी होल्डर हूँ कलर्स की इसीलिए। इन्हें भी आप देख सकते हैं, ये भी मेरे फर्स्ट ऑयल पेस्टल कलर्स हैं जो कि मैं बहुत छोटे में यूज़ करती थी। सेम विद दीज पेंसिल कलर्स, ये भी मेरे सब छोटे स्कूल के टाइम के कलर्स हैं जो कि मैं उस टाइम यूज़ किया करती थी, इनमें से कुछ तो मैंने खो भी दिया है। सो नेक्स्ट दीज आर माई फेविक्रिल नियॉन कलर सेट, सो दिस इज़ नियॉन ऑरेंज कलर, दिस इज़ नियॉन येलो कलर, दिस इज़ नियॉन ग्रीन कलर एंड दिस इज़ नियॉन पिंक। सो ये मेरे फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर्स हैं, ये बहुत अमेजिंग है एंड मैंने इन पे एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। मैं सारे वीडियोस एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, दीज आर माई फेविक्रिल ग्लास कलर एंड दे आर ऑल्सो अमेजिंग। सो इन दिस बॉक्स यू गेट अ ट्यूब ऑफ ब्लैक कलर एंड 6 डिफरेंट शेड्स ऑफ बॉटल कलर्स। Then I have these 4 pearl metallic colors. And these are my glitter from Domes and they cost ₹30. Then मेरे पास ये acrylic color के 2 tube है। So now अब हम मेरे favorite कलर सेक्शन में आ गए हैं जो कि है मेरे एक्रेलिक कलर्स। सो मेरे पास इतने सारे एक्रेलिक कलर्स हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सारे एक्रेलिक कलर्स हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बॉक्स में ओनली जो नॉर्मल कलर्स आते हैं वही है, सो मैंने ये अलग अलग कलर्स अलग अलग जगहों से पिक किए हैं। ये ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ की बॉटल्स रहती है एंड आप देख सकते हो कि मेरे ये सारे कलर्स है। एंड अगर गिनने की बात करें तो लेट्स काउंट दीज गाइस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं तो थक गई। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरे पास कितने कलर्स है, एक्रेलिक कलर्स कितने हैं मेरे पास।
सो दिस इज़ इट गाइज, ये मेरे सारे कलर्स हैं जो मैंने बचपन से लेके आज तक अरेंज किए हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।